নমস্কার বাচ্চারা, আমি কলকাতায়। ভালো আছো? আমি ভালো আছি। সো হ্যালো বাচ্চো, আজ হাম লোগ আ চুকে হ্যায় হাওড়া জংশন, অর পিডব্লু পৌঁছ চুকা হ্যায় কলকাতা। তো আজ দিন ভর করনে ওয়ালে হাম লোগ কলকাতা মে মৌজ মস্তি, অর ইয়ে মেরি লাইফ কা পহলা ভিলগ হোনে ওয়ালা হ্যায়। তো গাইজ প্লিজ ইস ভিলগ কো আপ লোগ জরুর সে লাইক করে। গাইজ হাম লোগ দিন ভর আপ লোগ কে লিয়ে মেহনত করতে হ্যায়, কুছ ভি। অর গাইজ इस व्लॉग के नीचे जरूर मेरा नाम कमेंट करें। सो बच्चों, आज होगी बहुत सारा मौज मस्ती, और आज होने जा रहा है पीडब्ल्यू बंगाली लॉन्च। सो आर यू रेडी? सो मेरे साथ यहाँ पे सर, तुम इतने नहीं आचो ग्रुप हालो छे हालो छे। तो गाइस, अभी हम लोग मिलेंगे यहाँ पे लोगों से, पूछेंगे कौन कौन सी जगह है कोलकाता में जो मस्ट टू विजिट है, और लास्ट में अपन चलने वाले हैं अपने पीडब्ल्यू बंगाली के ऑसम ऑसम टीचर से मिलने। तो स्टे ट्यून इन दी वीडियो गाइज, और गाइज हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें, और मेरे वीडियो पे गलत कमेंट मत करो यार। भाई यार, भाई समझ के बोल रहा हूँ, दिल से बुरा लगता है भाई, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं स्टेशन के बाहर, और अभी अपन जा रहे हैं कैब देखने, और यहाँ पे ये पीली कैब में अगर नहीं बैठे कोलकाता में आके फिर क्या किया भाई। तो हम लोग जाएंगे अभी इस पीली कैब की तरफ, और मैं बंगाली बोलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और अगर थोड़ी बहुत बंगाली ज्यादा हो जाए तो हम ही कहें खमा कोरबे कोरबे खमा कोरबे बच्चों खमा कोरबे। सो लेट्स गो एंड टेक दिस येलो कैब। सो गाइस, हम लोग सोच रहे हैं आइसक्रीम खाने को, आइसक्रीम वाले। यहाँ गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ धूप कुछ अलग से, सूरज अलग से ही निकल रहा है कोलकाता का। तो आइए हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम वाले भैया से ही देखते हैं। हेलो भैया, हम लोग भैया बहुत दूर से आए हैं काला पानी से, हम लोग को आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, आइसक्रीम खिला दो, अच्छी वाली बढ़िया वाली पर सस्ती। हाँ ये सही है, कितने का भैया ये हम खाएंगे? कोई 20 रुपये का इनको भी दे दीजिएगा। सर बजट भी तो इतना ही मिला है कोलकाता का, है ना सर? ये वापस जाएंगे तो बजट बजट का दिक्कत आप लोगों को पता ही है बच्चों, है ना, रहता ही है। चल झूठा। तो गाइज, इसके बाद वॉलेट निकालने का समय होता है, जब मैं ऐसा शो करता हूँ कि वॉलेट तो मैं गाइज लेके चला हूँ, ऐसा नहीं है, आप मेरे ऊपर शक मत करें। नहीं नहीं सर, देने दो, ऐसा भी मत करो। एक मिनट गाइज, सो लेट मी पे सम मनी। हम लोग का आपको सॉफ्टी दिखा दे, वरना आपको लगता है हम लोग बेवकूफ बनाए, और लास्ट में हम लोग ने वही ऑरेंज वाली खाई, ऐसा नहीं है, सॉफ्टी खाई है हम लोग ने बढ़िया। सर ने हमको भी महंगी वाली आइसक्रीम खिला दी, 20 रुपए वाली नहीं, हमने पीछे से 40 वाली निकाल ली थी। सैलरी सैलरी म्यूजिक। सही, हम सर डिसाइड कर रहे हैं कि थंबनेल में कौन सी फोटो लगाएगी, और उसमें क्या गुस्से में होना चाहिए, खुशी खुशी होना चाहिए। तो सही, हम सर ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजी लगाते हैं, और थंबनेल में बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, इस तरह के गंदे काम, गंदे गंदे काम करते हैं। तो अभी हम लोग किधर जा रहे थे सर? सर अब ये कपड़े जो है थोड़े कुर्ता पजामा पहना जाए। क्या बात सर, क्या बात। तो सैयद सर आप खुद पहनेंगे कुर्ता पजामा? क्योंकि मैं तो सर यही पहनने वाला हूँ। सर आप आपको पहनवाएंगे मेरे को? बंगाली लॉन्च शुड बी इन द बंगाली अटायर। और गाइज, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है गाइज। हम व्लॉगर आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हम लोग हर जगह घूमते हैं, पैसा आता है यूट्यूब से, इसका मतलब ये नहीं कि जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। हाँ मतलब ठीक है, तो घूमते हैं पैसे से तो क्या हुआ। और खाने वाले भैया के स्टॉल बगल में खड़े होके बोलते हैं, ये आई अब मटर की टिक्की, ये आया अब इसमें हमारा अमूल मटर। एक मिनट रुको। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं श्याम बाजार में, और यहाँ पे ढेर सारी मार्केट्स हमें दिखाई पड़ती हुई, कुछ बंद है कुछ खुली, और यहाँ हम लोग आए हैं कुर्ता खरीदने। आगे और भी मार्केट है, वो भी आपको दिखाएंगे, और कुर्ते की शॉपिंग में भी आपको लेके जाएंगे। तो फाइनली सर ने पसंद कर लिया एक कुर्ता। फोटो नहीं आज सही सर? हाँ अभी तो ये पसंद नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है, सही फाइनल खेल रहा है कुर्ता। ये कुर्ते तेरी किस्मत देखता हूँ, सही फाइनल। ये कितने का अंकल जी? ये कितने का? 1250। 1250 और पिछला वाला 550 का था, पिछले वाला था है ना, काला वाला सुंदर भी ज्यादा लग रहा था, अभी ज्यादा अच्छा लग भी रहा है सोच के भी। 1250 फिटिंग आपका पूरा, एक क्लास 10 थोड़ा दो बोर्ड बूस्टर, दो बोर्ड बूस्टर खरीद लो यार, दो दो बोर्ड तो यहीं से काम बन जाएगा सर। ऐसा मत कहो सर, इतना तो टैक्स कटता है, जीएसटी देना पड़ता है सर, ले दे के क्या आता है सर, कुछ नहीं सर। अच्छा। सर आ गए हैं प्रॉपर बंगाली लुक में, केमियाचो।
व्हाइट रसगुल्ला जो हम लोग खाते हैं, इन्वेंटर इन्वेंटर तो उसके पहले वर्ल्ड में किसी ने नहीं बनाया है। नहीं, किसी ने नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम। वही नहीं, वही इन्वेंट किया था। पक्का सर? चाइना है ना, अपने ऊपर क्लेम ना ले रहे हो इसका। किस ईयर में किया था इन्वेंट? किस ईयर में इन्वेंट किया था? समझ लीजिए तो उसका तो 100 साल तो बैक करना चाहिए। वी आर एट दी आइंस्टीन एंड न्यूटन ऑफ रसगुल्ला, नितिन चंद्र दास। खमा कौर बे बच्चों, खमा कौर बे चंद्र दास पे, और हम लोग अब रसगुल्ला खाएंगे यहाँ का। आइए सर, यहाँ पे रसगुल्ला एंड संदेश आर द फेमस। संदेश भी खाएंगे और रसगुल्ला भी। संदेश एंड रसगुल्ला, संदेश एंड रसगुल्ला। अच्छा यही वो अंकल बता रहे थे, ये कलरफुल कलरफुल भी है इनके पास। क्या ये डायबिटिक रसगुल्ला आ गया? ये बिना शुगर का बनता है, डायबिटीज रसगुल्ला। हाँ, जो डायबिटिक पेशेंट है उन लोग के लिए है। डायबिटिक पीर कदम, पीर कदम, डायबेटिक तालचास। ये सही कल्चर निकाला है सर। पर मुझे मीठा रसगुल्ला खाना है। हाँ हाँ सर, मेरे को डायबिटीज नहीं है। नाम रसगुल्ला, नाम रसगुल्ला। तो मीठे क्या बोलते हैं? मिष्टी, रसगुल्ला। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टारगेट किधर है, कहाँ जा रहे हैं? विक्टोरिया मेमोरियल। याओ, और वहाँ कुछ हैवी राइड होगी। तो विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ चलते हुए अपने गाड़ी वाले भैया को बुलाएंगे हम लोग। अपने गाड़ी वाले भैया बंगाली है? नहीं है, बिहारी। यहाँ पे तो गाइस, इंडिया का कोई भी कोना हो, बंगाल हो या साउथ, बिहारी हर तरफ। ओ भाई ये तेल में पकौड़े चलते हुए। ओ भाई, इस तेल में पकौड़े डाल दिए थे यानी, और काफ़ी बढ़िया पकौड़े बना रहे हैं यहाँ पे भैया। ये जगह कौन सी है? हाँ, तो खाती बाजार के पास आके आप भैया के पकौड़े खा सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे स्पेशल चाइनीज मसाला भैया यहाँ पर डाल रहे हैं, ठीक है? और स्पेशल चाइनीज मसाले में बनाते हुए। ये क्या है भैया? दाल से बनता है। ये दाल गाइस इसमें डलती है, और आप देख रहे हैं कितना टेस्टी। ओहो भाई, ओ भाई, मेरे तो मुंह में पानी आता हुआ। एटा नाम की झालमुड़ी, झालमुड़ी। इसमें क्या क्या डालेंगे? सब सामान डालिए मुड़ी। ओहो ओ भाई, अब इसमें पत्ता गोभी। ओ भाई, इसमें सेब डाल दिए, बहुत टेस्टी। भुजिया, खीरे को बंगाली में क्या बोलते हैं? सोसा। सोसा, तो सोसा डाल दिया है। और ये किसको क्या बोलते हैं? बादाम, चीना बादाम। वो बादाम छोड़े तो मूंगफली है। हाँ, उसमें बादाम को क्या बोलोगे? उसको आलमंड बोलते हैं हम लोग। आलमंड तो इंग्लिश में होता है। हाँ, तो वही है हम लोग के लिए, ये सारा नट्स बादाम होता है। तो अभी हम लोग वहाँ आए हैं गाइस, जो विक्टोरिया पैलेस। अभी हम लोग दिखाएंगे आपको, अंदर भी जाएंगे वहाँ। अभी प्याज को क्या बोलते हैं? प्याज को प्याज, प्याज को प्याज, प्याज को। राइट राइट, एक और वर्ड याद हो भैया। ये आपने क्या स्पेशल सॉस डाला इसमें? तो यहाँ पे भैया सरसों का तेल डालते हुए, स्पेशल सॉस डालते हुए। और ओ भाई सॉस डाल दिया इसमें, बहुत मजा आ। ओ भाई, घुमा दिया है। और ये बन के तैयार है, कोकोनट, कोकोनट भी डाल दिया है इसमें। तो गाइज, आप गाइज आप जरूर खाएं आके। और गाइज, हम व्लॉगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं गाइज, तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर बनता है गाइज। दिन भर आप लोग के लिए घूमते हैं, टहलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं, और आप देख देख के हम लोग को जलते हैं। पर गाइज, लाइक तो आप ही करेंगे। गजब बेइज्जती है। शांत सा शहर लगता हुआ मुझे कोलकाता, शांति वाला। तो गाइज, हम लोग इंजॉय करते हैं अपनी झालमुड़ी, और आप चलो बाय सर। फाउंडर चलाते हुए चैरियट। हम आ गए हैं रानी के रथ पर, रथ पर, सिंहासन पर। तो सर कह रहे हैं इसको मैं खरीदने वाला हूँ। हाँ सर, सिंहासन खरीद लिया जाए, उसके पीछे BMW का लगाया जाएगा सिंबल, या इसमें छल्ले लगा देंगे सर, ये ऑडी बन जाएगा।
सर अभी घोड़ा भी चलाना है मुझको। सर आपने कहा था आप चलाओगे इसको। सर मैं चलाऊंगा नहीं, मैं खड़ा होऊंगा, दोनों पे एक पैर रख के मेरा ये प्लान है। तो बच्चों सर चलाने वाले हैं ये। देखिए आपके लिए कितनी मेहनत करी जा रही है, पसीने में तर बतर हो गए हैं। गाइस एक लाइक तो बनता है इस वीडियो पे, देखो अब बात है साफ, अब लाइक बनता है गाइस, जिसके बाद तो नहीं। काफी खूबसूरत नजारा विक्टोरिया पैलेस का, इसके पीछे हम म्यूजिक लगा दिए। सर का गाड़ी चलाने का मन हो रहा है, सारे बिजनेस यूज यही होने चाहिए। नाम नहीं पता, महंगा गाड़ी है इतना पता है, झुकेगा नहीं साला। इतना आराम नहीं है ना महंगी गाड़ी में ये जो। हाँ सर वो फील नहीं होता है ना। So guys, this is Victoria Palace and that is Queen Victoria right now in a very long sleep. और सिर्फ कबूतरों से ही घिरी हुई, कहाँ कहाँ कबूतर करता हुआ। और गाइज हम लोग पसीने में तर बतर हो गए हैं ये फुटेज निकालने के लिए। गाइज ये फुटेज इतनी मुश्किल से हम लोग को मिलता है गाइज, और आप लोग का लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब पैसा सॉरी बाकी सब चीज़ें इतना हम लोग को मोटिवेट करता है हमेशा ये व्लॉग बनाते रहने के लिए। गाइज जो लोग को लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा व्लॉगिंग करता हूँ वो कमेंट में ए कमेंट करें, और जिनको लगता है संयम सर करते हैं वो कमेंट में बी कमेंट करें। सो इट्स संयम सर टीम वर्सेस अलग सर टीम, मुझे पता है आपने ये कहीं देख रखा है पर उससे आप इसको रिलेट ना करें। गाइज मैं फ्यूचर में कोशिश करूँगा मैं मेरी बीवी मेरा बच्चा बच्चे का खिलौना सब आके व्लॉगिंग करें। बाय। आपका नाम क्या है? सरोज मंडल। सौरभ सरोज मंडल। तो आप लास्ट ईयर किस बैच में बता रहे थे? सर हम फ्रेश बैच प्रेस बैच में। और उसके पहले आप यूट्यूब पढ़ रहे हैं? हाँ, सर आपको पहले से ही मैंने फर्स्ट से ही आप जब बोर्ड में पढ़ रहे थे पहले से ही मैं फॉलो करता हूँ। तो अभी जो आप बोल रहे हैं वो थोड़ा सा बांग्ला की तरफ जा रही है, ठीक है? हाँ, सर बांग्ला मेरा बोलना बंगाली ना सर हम जो सर तुम्हें बंगाली अभी बूझे है ना, ठीक है सर इतना हमें बूझे। बट ये बताओ फिर समझ में कैसे आती थी हिंदी, मतलब फुल लेक्चर की? सर हिंदी सो थोड़ा छोटा से सर हिंदी तो कार्टून देख कर कार्टून देखने से हिंदी थोड़ा सा हिंदी आ जाए तो हम लोग पूरे लेक्चर समझ में आ रहे थे। सर हिंदी आपको तो सर पढ़ाई के बीच में हंसाना तो बहुत ही अच्छा लगा। और अगर मैं तुमसे बोलूँ कि अब हम लोग पूरा बांग्ला में आ रहे हैं PW बांग्ला लाइक कंप्लीट बंगाली लाइक कंप्लीट लैंग्वेज बंगाली, ये तो माने मैसिव हो जाएगा, होगा माने कॉल्पोनर बाइड कॉल्पोनर माने इमेजिनेशन की बाइड सर। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, और इसीलिए हम लोग आज यहां आए हैं और हमारे पुराने स्टूडेंट हमें मिले हैं, और यू आर द गाइस यू आर द स्टूडेंट्स जो हम लोग को PW को आगे लेके जाएंगे। एक फोटो चाहिए वाला। तो ये हमें ईडन गार्डन कॉलेज से बंक करते हुए मिले, वैसे बता दूं मैं इनकी असली कहानी एक बार मैम। हेलो बच्चों कंग्रेचुलेशंस, तुमरा हमारे PW तादरी जॉइन करो सबाई, तुमरा हमरा एकसाथे लड़बो एकसाथे लड़े हमरा अचीव करबो सामने तुम्हारे बोर्ड्स सो करबो लड़बो जीतबो। तो सर एक मिनट आप रुके यहीं पे, आपसे मैं कुछ बात करना चाहूंगा। तो सर ने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, दैट वाज द PW पाठशाला इन बंगाल, वैसे काफी बच्चों को पता है। सो हमारा PW पाठशाला बंगाल ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है सर।